जिला प्रशासन का बड़ा फैसला देखने को मिला है। ताजनगरी में क्वारंटीन सेंटर बंद किए गए हैं। जिले में अब नहीं है कोई भी क्वारंटीन सेंटर। कोरोना संक्रमितों को किया जा रहा है होम क्वारंटीन। जरूरत पड़ने पर होंगे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन का साहसिक फैसला, बड़ा फैसला, क्योंकि आगरा में जिस तरीके से कोरोना शुरुआती दौर में रफ्तार पकड़ी और उसके बाद ये रफ्तार थमती हुई वहां दिखाई नहीं दी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, खबर ये कि जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए क्वारंटीन सेंटर बंद किए हैं। शिव चौहान जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आगरा से। शिव, जिला प्रशासन का ये बड़ा साहसिक कदम है, फैसला है, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्वारंटीन सेंटर बंद किए गए हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आगरा एक ऐसा जिला था शुरुआती दौर से जो कोरोना वायरस के मरीज थे वो लगातार बढ़ रहे थे, ग्राफ काफी ऊपर था, लेकिन धीमे धीमे उसी को लेकर प्रशासन ने आगरा में तमाम स्कूल और जो कॉलेज थे उनमें क्वारंटीन सेंटर बनाए, लेकिन अब जो मरीज है उनका ग्राफ काफी नीचे आ गया है। 15 से 20 मरीज रोज निकल रहे हैं और स्कूल खुलने का भी समय आ गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद कर दिया है। अब बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी मरीज को तो आइसोलेट आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाएगा, या फिर कोरोना पॉजिटिव निकलता है और सिम्टम्स नहीं निकलते हैं तो फिर होम आइसोलेट उसे करने की इजाजत दी जाएगी। इसी को लेकर आगरा ने जो क्वारंटीन सेंटर बनाए थे वो सभी बंद कर दिए। जी पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव इस जानकारी के लिए।